हेलो अनिल पांडे, वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द पैसिव वॉइस। आज मैं पैसिव वॉइस के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं पैसिव वॉइस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और आज इसका जो थर्ड पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। And also students are advised to prepare notes on the basis of video. वीडियो को वॉच करके और वो लोग जो है नोट्स भी प्रिपेयर करें, ताकि उनको जो है बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का जो है एक्टिव वॉइस का मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। एक्टिव वॉइस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हमको सेंटेंस प्रिपेयर करना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हैज़ और हैव का, हैज़ या हैव में से कोई एक यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। हैज़ का जो यूज़ होता है ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, और हैव का जो यूज़ होता है आई, यू, दे, वी और प्लूरल के साथ होता है। एक बार फिर से, एक्टिव वॉइस का जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका एक्टिव वॉइस का कंसेप्ट है सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो पैसिव वॉइस का कंसेप्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, बी डबल ई एन, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल द स्टूडेंट वेयर वी विल यूज हैज़ एंड हैव। हैव्स का यूज़ कहाँ पे होगा, हैव का यूज़ कहाँ पे होगा? हैज़ का यूज होगा ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज होगा आई, यू, दे, वी और प्लूरल के साथ। तो कुछ एग्जांपल मैं पुट करना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल है, आई हैव डन माय वर्क, आई हैव डन माय वर्क। तो जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो माय वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये आई की प्लेस पे जाएगा, मतलब सब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा माय वर्क हैज़ बीन। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, हम कंसेप्ट पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो एक कंसेप्ट का जो रूल को फॉलो, मतलब कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो उसका जो फॉर्मेशन होगा पैसिव वॉइस का, माय वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, आई हैव डन माय वर्क, तो माय वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वर्ड का, एक्टिव वॉइस का जो कंसेप्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव वॉइस का जो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो बस हैज़ या हैव के बाद हमको नॉट लगाना है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और सब्जेक्ट बनेगा। हैज़ या हैव में से कोई एक यूज होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, बी डबल ई एन, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई एंड सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ नॉट abused me, सी हैज़ नॉट abused me, तो मी ये जो है सी की जगह पे आई हो जाएगा और आई का साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट बीन abused by her, मी जो होगा आई बनेगा और सी जो होगा हर बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनता है और प्लेस इनका जो है चेंज होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो इंट्रोगेटिव का है, एक्टिव वॉइस का जो इंट्रोगेटिव का जो कॉन्सेप्ट होता है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और जब हम पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और सब्जेक्ट बनेगा प्लस बीन, बी डबल ई एन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई एंड सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच ग्रुप में बस हमको एक्टिव वॉइस में भी स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच ग्रुप वर्ड का यूज़ करना है, और पैसिव वॉइस में भी जो है हमको स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच ग्रुप वर्ड का यूज़ करना है। डब्ल्यू एच ग्रुप वर्ड्स जो होते हैं, हु, हुज, हुम, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब हमारे डब्ल्यू एच ग्रुप के वर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल, जैसे हैव यू सीन दिस पर्सन, हैव यू सीन दिस पर्सन, तो दिस जो है यू की जगह पे जाएगा, तो इसके लिए हैव की जगह पे हैज़ हो जाएगा। तो
यहाँ पे होगा हैज दिस पर्सन बीन सीन बाई यू, हैव यू सीन दिस पर्सन, तो इसका होगा हैज दिस पर्सन बीन सीन बाई यू। अगर हम डब्ल्यू एच ग्रुप की बात करते हैं तो जैसे वाई हैव यू हेल्प्ड हिम, वाई हैव यू हेल्प्ड हिम, तो वाई हैज ही बीन हेल्प्ड बाई यू, वाई हैव यू हेल्प्ड हिम, तो हिम जो है यू की प्लेस पे आएगा तो ही बन जाएगा, और इसके लिए हम हैज का यूज़ करेंगे, तो वाई हैज ही बीन हेल्प्ड बाई यू। तो ये जो हमारा जो था प्रेजेंट परफेक्ट का जो है कंसेप्ट था एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, एंड आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन दैट स्टूडेंट्स प्रिपेयर द नोट्स रिलेटेड वीडियो, जो भी हमारा वीडियो है कोई भी सब्जेक्ट का हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी एक तरह से सब्जेक्ट हो उसका जो है आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि जो है आपको जो है किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थैंक यू।